हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सानी फैशन में। आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम एक कान्हा जी का कपड़ा बनाना सीखेंगे, कॉटन कपड़े का। ये हम चार नंबर कान्हा जी का कपड़ा बनाएंगे, जिसकी लंबाई हमने 4.5 इंच रखा है और इस कपड़े का चौड़ाई हम 19 इंच रखे हैं। इसको हम फोल्ड कर देंगे और ये हम रेड कलर का छोटा सा पीस लिए हैं, जिसका लंबाई हमने 2.5 इंच रखा है और उसकी चौड़ाई इसी के नाप से रखे हैं। इसको भी हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर ऐसे रख के पहले यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इधर बाहर कपड़ा रख के हम 1 इंच से थोड़ा 1 पॉइंट कमी है, देख सकते हैं। हम इसके ऊपर लेस लगा देंगे, आप चाहें तो लेस नहीं भी लगाएंगे तभी भी अच्छा लगेगा, ये कपड़ा बहुत प्यारा लगेगा। इसके ऊपर इस तरह से हम लेस लगा देंगे, कवर फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इधर हमने लेस लगा लिया है, इधर हमने ऐसा कपड़ा लगा दिया इस तरफ से। अब यहाँ पे प्लेटें डालेंगे छोटा छोटा इस तरह से, इस तरह से हम छोटे छोटे प्लेटें डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला साइड बनकर रेडी हो गया है। अब ऊपर का साइड बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये हमने 1.5 इंच लिया है। इसकी लंबाई देख ले रहे हैं कितना दिए हैं, 4 इंच है लंबाई इसकी, दोनों की लंबाई 4-4 इंच। इसके ऊपर हम रेड कलर का, ये इसकी भी लंबाई चौड़ाई उतना ही है। इसके ऊपर ऐसे हम रख के किनारे पे ऐसे सिलाई चला देंगे। यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। इसको यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे 1 इंच लगभग। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इसका इस तरह से माथा करके देख लेंगे, लेस लगा देंगे। इस साइड भी लगा देंगे इसी तरह से।
अब ये आधा पे हम यहाँ पे निशान लगा दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसको हम यहाँ पे रख के ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से रख के। यहाँ पे धागा इस तरह से बांध देंगे। इसको खोलेंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा कुछ दिखेगा, और यहाँ पे जो खुला है थोड़ा सा बाजू के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम इस सुई में धागा डालकर इस तरह से थोड़ा सा हम दो सिलाई ऐसे चला देंगे। बना लेंगे देख सकते हैं कि इस तरह हो गया बाजू डालने के लिए। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।